दोस्तों, कई महापुरुष कह गए हैं कि जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो वह सेहत, जान और भविष्य तीनों के लिए मुसीबत बन जाती है। इसका जीता जगता उदाहरण हमने कई बार देखा है। पैसा, ताकत और हुस्न जब ज्यादा हो जाए तो इंसान कितना भी संभालने की कोशिश करे, आखिर में बेहक ही जाता है। आज के वीडियो एक ऐसी रानी के ऊपर है जिसने अपने खूबसूरती की दम पे एक नया इतिहास रच दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ फॉल्स के, जिसने अपने पूरी जिंदगी में शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनको द वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। हालांकि उनकी कई व्यक्तियों से प्रेम संबंध रहा है, लोगों को अपने जवानी के जाल में फंसाने की गुण एलिजाबेथ को अपनी माँ एन बोलेन से मिला था। जवानी पे खूबसूरत के बल पे उसने इंग्लैंड से लेकर आयरलैंड के रियासतों को संभाला, वहाँ राज किया। एलिजाबेथ के पास सब कुछ था, लेकिन उसका मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आखिर क्या है एलिजाबेथ की पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एलिजाबेथ के जन्म 7 सितंबर 1533 में ग्रीनविच पैलेस पर हुआ था और उनका नाम उनकी दादी एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क और लेडी एलिजाबेथ हावर्ड के नाम पे रखा गया था। एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड के हेनरी 8 के दूसरी संतान थी। एलिजाबेथ फर्स्ट के माँ का नाम था एन बोलेन। दोस्तों, अगर आप एन बोलेन को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एन बोलेन एक बहुत ही खतरनाक शिक्षिका थे, जिसके ऊपर ना जाने कितने कत्लों का इल्जाम था। एलिजाबेथ फर्स्ट उसकी बेटी थी, बचपन से ही उसमें उसकी माँ के गुण थे। दोस्तों, एलिजाबेथ फर्स्ट बहुत खूबसूरत थी। वह दिखने में किसी गुड़िया की तरह लगती थी। उसकी खूबसूरती का आलम ये था कि बचपन से ही उसके लिए कई राजकुमार के रिश्ते आने लगे थे, लेकिन एलिजाबेथ के पिता हेनरी 8 ने जल्दबाजी नहीं की और किसी से रिश्ते के बारे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, एलिजाबेथ के खूबसूरती की वजह से पूरे महल में केवल उसी के ही चर्चे होते थे और इसकी वजह से हेनरी के पहली पत्नी कैथरीन और उसकी बेटी मर्वी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एलिजाबेथ के जन्म के बाद उसे कोई नहीं पूछता था। इससे कैथरीन को एक बात का डर भी था कि कहीं राज्य की अगली उत्तराधिकारी का पद एलिजाबेथ को ना दे दिया जाए। जब एलिजाबेथ थोड़ी बड़ी हुई तो उसी समय कैथरीन की मृत्यु हो गई। कैथरीन के मौत के बारे में कहा जाता कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी, लेकिन सच तो ये है कि एलिजाबेथ के माँ एन बोलेन ने ही उसे मरवाया था। कैथरीन के मौत के कुछ समय बाद ही एन बोलेन की गला काट कर हत्या कर दी गई। कहते हैं कि एन बोलेन की हत्या उसकी ही किसी आशिक के द्वारा की गई थी। एन बोलेन के 50 से भी ज्यादा मर्दों से नाजायज संबंध थे। एन बोलेन के मौत से कैथरीन के समर्थकों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने कैथरीन के बेटी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसके लिए उन्होंने एन बोलेन के मरने के बाद राज्य में ये बात उठाई कि एंड के साथ बहुत लोगों के नाजायज संबंध थे तो उसकी बेटी एलिजाबेथ भी नाजायज होगी, और ऐसा कहके उसको नाजायज करार दे दिया गया और एलिजाबेथ को सारी शाही उत्तराधिकारों से वंचित कर दिया गया। एलिजाबेथ तब उतनी समझदार नहीं थी कि उसे समझ आए कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। हेनरी के दोनों बीवी की मौत हो चुके थे, अब वह बिल्कुल अकेले हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके कुछ दिनों बाद ही जेन सेमोरे से शादी कर ली थी। दोस्तों, शादी के करीब एक साल बाद जब जेन एक बच्चे को जन्म दे रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मरते मरते एक लड़के को जन्म दिया था। ये हेनरी का पहला लड़का था जिसका नाम एडवर्ड रखा गया था, पर ये लड़का अपना भाग्य अपने साथ लेकर पैदा हुआ था, क्योंकि पैदा होते ही उसने उसका नाम हेनरी के सिंहासन पर लिख लिया था। एडवर्ड को एक अलग महल में रखा गया था, क्योंकि हेनरी नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर किसी की नजर पड़े, और एलिजाबेथ को भी उसी महल में एडवर्ड के साथ रखा गया, क्योंकि एलिजाबेथ एडवर्ड से करीब 6 से 7 साल बड़े थे। दोनों साथ बड़े हुए थे, दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था। कुछ समय बाद हेनरी की मौत हो गई, जिसके बाद सिंहासन उसके छोटे भाई हड़प लिया।
और राज करने लगा। लेकिन उस समय मर्री अपने पूरे पावर में आ चुके थे और उसने हेनरी के छोटे भाई को मरवा डाला। अब मर्री ने उस सिंहासन पर राज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मर्री एलिजाबेथ की बड़ी बहन थी और उसे राजकाज का ज्ञान भी था, क्योंकि वह अपनी पिता के साथ ही रहते थे। लेकिन उस समय एलिजाबेथ ने उस सिंहासन पर अपना दावा ठोक दिया, क्योंकि उसके साथ एडवर्ड का साथ था। इस वजह से उसका ये दावा किसी मंत्री ने खारिज नहीं किया। अब दोनों सौतेली बहनों के बीच गद्दे की लड़ाई हो रही थी और आखिर में दोनों ने समझौते के रूप में गद्दे पर समान अधिकार के बात करके इस बात के लड़ाई को खत्म किया। कुछ समय तक ये चलता रहा और मर्री ने स्पेन के फिलिप रोमन सम्राट चार्ल्स से शादी करने की घोषणा की। इस बात को सुनकर पूरा राज्य मर्री के खिलाफ हो गया, क्योंकि चार्ल्स एक कैथोलिक थे। इसीलिए सभी ने मर्री को गद्दी से हटा दिया। अब एलिजाबेथ उस गद्दे पर अकेले राज करते थे। कहते हैं कि उस समय एलिजाबेथ के साथ उसके ही छोटे भाई का नाजायज संबंध थे, क्योंकि कई बार मर्री ने बिच दरबार पे एलिजाबेथ पर ये आरोप लगाया था कि उसके और एडवर्ड के शारीरिक संबंध हैं। लेकिन हर बार सबूत न मिलने के वजह से उसका ये दोष साबित नहीं हुआ। लेकिन एक बार एक मंत्री ने रात के समय एलिजाबेथ को एडवर्ड के साथ देख लिया था, जिसके बाद उसने ये बात किसी को नहीं बताया। लेकिन उसने एलिजाबेथ से जरूर इसके बारे में पूछा कि तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारे लिए आज भी इतने बड़े बड़े जगह से रिश्ते आते हैं, तो तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? इस पर एलिजाबेथ ने कहा कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद मंत्री ने एलिजाबेथ से कहा कि अगर मैं तुम्हारे इस बात को राज्य में बता दूं कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई एडवर्ड के नाजायज संबंध हैं, तब एलिजाबेथ ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसा सुंदर हुस्न को तुम छोड़ना नहीं चाहोगे। और ये कहकर दोनों के बीच सौदा हुआ था कि मंत्री जब एलिजाबेथ को बुलाएंगे तो उसे जाना पड़ेगा। शुरुआत में मंत्री को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन कहते हैं न, पुरानी शराब और सुंदर हुस्न अपना रंग धीरे धीरे दिखाता है, और जब एक बार असर दिखता है तो उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है। वही उस मंत्री के साथ भी हुआ। उसे एलिजाबेथ के आदत लग गए थे। एलिजाबेथ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस मंत्री के साथ मिलके अपने ऊपर लगे पुराने सारे इल्जामों को खारिज कर ली। लेकिन धीरे धीरे मंत्री एलिजाबेथ की रस्ते का कांटा बनता जा रहा था। इसीलिए एलिजाबेथ ने एक दिन उसे रात के समय जहर दे दिए, जिसकी वजह से मौके पे ही उसने दम तोड़ दिया। उसके मौत के खबर सुनते ही राज्य में विद्रोह उछाड़ गया। एलिजाबेथ को नहीं पता था कि विद्रोह इतना ज्यादा बड़ा होगा। उसने उस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और इस विद्रोह के इल्जाम में फंस गए और उसे अदालत में पेश किया गया। उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसको टावर ऑफ लंदन में कैद कर लिया गया। इसके बाद उसने करीब एक साल वहीं बिताया। जब एक साल बाद वो टावर ऑफ लंदन से निकली तो उसे पता चला कि मर्री की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसको उस राज्य के महारानी घोषित कर दिया गया। महारानी बनने के बाद वहाँ के जनता ने एलिजाबेथ से पूछा कि वह शादी कब करेंगी, क्योंकि उसका भाई एडवर्ड गद्दी पर बैठना नहीं चाहता था। इस हालत में राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसीलिए पूरे जनता एलिजाबेथ से शादी के बारे में पूछते थे। लेकिन वह अपने बारे में कुछ और सोच के रखा था। कहते हैं कि एलिजाबेथ थॉमस सीमोर से प्यार करते थे। थॉमस उस समय राज्य का गवर्नर हुआ करता था। वह थॉमस को तब से पेयर करने लगे थे जब वह मात्र 14 साल के थे। थॉमस भी एलिजाबेथ के कक्ष में नाइट सूट पहन के चले जाते थे। कई बार थॉमस को एलिजाबेथ के बट पर जोर से मारते हुए देखा गया था। कई बार तो जब एलिजाबेथ राज्य की छत पर शाम के समय खड़ी होती थी, तब थॉमस उसकी सीने और पेट पर गुदगुदी करता था। एलिजाबेथ थॉमस के बेटी के उम्र के थे, लेकिन वो उसे काफी पसंद करने लगे थे। दोनों के प्रेम के किस्से पूरे महल में मशहूर थे। कई बार तो दोनों को एक साथ नहाते हुए भी देखा गया था।
लेकिन दोनों के इस पेयर को नजर तभी लगी जब थॉमस को एक देशद्रोही के इल्जाम में सजा मौत दी गई थी। उसका सर पूरे राज्य के सामने कलम कर दिया गया था। फिर उसके बाद से एलिजाबेथ ने शादी न करने की कसम खाई और जीवन भर उसने शादी भी नहीं की और न ही बच्चे पैदा किए। इसीलिए इतिहास में उसको द वर्जिन क्वीन भी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एलिजाबेथ दो बार गर्भवती भी हुई थी, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह एक अजीब तरह के बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिससे उसका पूरा शरीर सूज गया था और इसी बीमारी की वजह से उसको मौत हो गई थी। दोस्तों, कई इतिहासकारों का कहना है कि 16 साल उम्र के बाद एलिजाबेथ ने काफी मर्दों से नाजायज संबंध बनाए थे, लेकिन इन सब का कोई सही सबूत ना होने के वजह से कोई इस बात पर जोर नहीं देता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में एलिजाबेथ की कई मर्दों के साथ संबंध थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।